शिवराज सिंह के पिताजी के निधन के बाद उनके घर नेताओं का आना जाना लगा है। योगी आदित्यनाथ से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक दुख जताने और श्रद्धांजलि देने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर जा चुके हैं। इसी कड़ी में राधे माँ भी शिवराज के घर पहुँची और शिवराज सिंह के पिता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राधे माँ ने कुछ ज्ञान की बातें भी बताई। जिस दौरान राधे माँ ज्ञान देकर पूर्व सीएम के परिवार वालों को ढांढस बंधा रही थी, उस दौरान शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह हाथ जोड़े खड़ी थी। पिताजी की देहांत हो गया है तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे उनके पास जाके उनको अप्रिशिएट करना है कि जननी जने दा भक्त जने जान दाता दा सूर नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गुवावे नूर, कि मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और ऐसे समाज की सेवा करते रहे। दरअसल राधे माँ किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंची थी, लेकिन जब उन्हें शिवराज के पिताजी के निधन के बारे में खबर मिली तो वो शिवराज सिंह चौहान के पैतृक निवास जैत गांव पहुंच गईं। आपको बता दें कि खुद को धर्म गुरु बताने वाली राधे माँ काफी चर्चा में रहती हैं। उनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के कई बार आरोप भी लग चुके हैं, जबकि देश भर में कई मामले भी उन पर दर्ज हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।